नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल P24 न्यूज एक्सप्रेस। आइए करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। कफ सिरप तस्करी में 4 गिरफ्तार। संबलपुर पुलिस और स्पेशल स्क्वाड द्वारा संयुक्त छापेमारी के दौरान अवैध कफ सिरप, खांसी और नशीली गोलियां जब्त की गई। जिले के पुलिस अध्यक्ष बी गंगाधर ने एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि शहर के एक पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह पर जांच और अवरोधक जांच शुरू की थी। ब्लॉकिंग कर चेकिंग करते समय 3 बाइक में 4 लोग एयर बैग में नशीली कफ सिरप की तस्करी करते समय पुलिस ने धर दबोचा। उनके पास से कुल 183 सील खुले बोतल कफ सिरप, 250 सील कफ सिरप और 4 स्ट्रिप नशीली दवा जब्त की गई। इन सभी अपराधियों को टाउन थाना अंतर्गत ठेलको पाड़ा की रोकी मुखी उम्र 25 वर्ष वैद्यनाथ चौक मारवाड़ी पाड़ा के राहुल मेहर उम्र 19 खेतराजपुर के थाना अंतर्गत तालभट्टा पाड़ा के लक्ष्मण मिश्रा उम्र 41 और सुंदरगढ़ जिले के राजगांवपुर थाना अंतर्गत मधुसूदन कॉलोनी के चंदन पात्र उम्र 19 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 बाइक और 3 मोबाइल भी जब्त किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सोमवार को कोर्ट भेजने की जानकारी SP बी गंगाधर ने दी है। संबलपुर रंगाली से सूरज पोदार की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। गत काली हमरो गोटे भलो टिप ऑफ ऊपर रे हमें गोटे स्पेशल स्क्वाड को स्पेशल टीम को एंगेज करितलु। टाउन आईएसी इनकरो लीडरशिप रे आमे से थरे 3-4 लोकों को धरिलु एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोरेक्स आमे सीजर करलु। 183 नंबर्स ऑफ लूज कफ सिरप जहारो कैप खुला है थिला आमे सस्पेक्ट करुचु से दैट इज अडल्ट्रेटेड एंड से थरे आमको से टैबलेट भी मिली थिला जो टैबलेट से थरे मिसाई दे चंती प्लस 250 बोतल सील्ड वाला कफ सिरप मिली थिला। एटा सीज करलु और तेरे 3 मोटरसाइकिल सीज करी थिलु। 4 स्ट्रिप्स ऑफ सेडक्टिव टैबलेट्स और 3 मोबाइल हैंडसेट्स भी सीज करी छु। एथरे बहुत इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हमें पाई छु। आमे आउ ए केस इन्वेस्टिगेशन रे आमे भावुचु आउरी लोको एथरे बाहरी दे। जमनकीरा बांगताल में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण। जमनकीरा ब्लॉक क्षेत्र में पानी की कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पानी के लिए सभी लोग अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ स्थानों पर लोगों को पानी के लिए 2-3 किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। इसी तरह जमनकीरा ब्लॉक के कुलुंडी पंचायत के लंकेश्वरी और बांगताल गांव में लोग पानी की समस्याओं से बहुत परेशान हैं। इन गांव में 70-80 आदिवासी परिवार रहते हैं, जबकि गांव में स्कूल ट्यूबवेल सहित कुल 3 ट्यूबवेल हैं। उनमें से 2 ट्यूबवेल में पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि तीसरा ट्यूबवेल लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है, जिस कारण लोगों को 500 मीटर दूर चलकर जाना पड़ रहा है और एक छोटी नहर से पानी लाकर अपनी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ के लोग विभिन्न समस्याओं में रोगों से पीड़ित रहते हैं। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी इन गरीबों की ना सुनी। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द गाँव में एक नया पानी का टंकी स्थापित किया जाए और नए ट्यूबवेल स्थापित किया जाए। संबलपुर जिला रंगाली से सूरज पोदार की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।